इसमें एक लिए और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मोबाइल हेल्प सेंटर। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो के Y12a फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग गाइस कैसे ऑन करेंगे। गाइस अगर आप भी अपने फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग को ऑन करना चाहते हो यहाँ से बिल्कुल सेटिंग करके बताएंगे। आप यहाँ से सेटिंग करोगे अपने फोन में यहाँ से स्मार्ट कॉल सेटिंग को ऑन करके यहाँ से यूज भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको बताएंगे स्मार्ट कॉल सेटिंग में क्या क्या फीचर दिया हुआ, कैसे उसको यूज करना है, तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ से सेटिंग करके। आपको यहाँ पे सेटिंग को सिर्फ फॉलो करना और यहाँ से अपने फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग को ऑन करके यहाँ से यूज भी कर सकते हो। गाइस आपको देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो अपने फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग यहां से ऑन नहीं कर पाओगे। तो आपको देखिए मिल जाएगा यहां साइड में हमारा फोन एंड गाइस आपको स्मार्ट कॉल सेटिंग को ऑन के लिए सबसे पहले चले जाना अपने फोन की सेटिंग में। यहां देखिए हम आ चुके सेटिंग में और कुछ चांसेस स्क्रॉल डाउन करोगे और यहां आपको मिलेगा शॉर्ट कोड एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, यहां गाइस क्लिक करना है और यहां आपको मिलेगा स्मार्ट मोशन का ऑप्शन, यहां पर गाइस क्लिक कर देना है और यहां आपको मिल जाएगा स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन, यहां पर गाइस क्लिक करना है और यहां देखिए आपको मिलेगा पांच ऑप्शन। यही है गाइस स्मार्ट कॉल के साथ हम यहां से बताते हैं कैसे क्या चीज यूज करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा स्मार्ट कॉल, यहां पे इसको ऑन करना है। उसके बाद मिलेगा डिफॉल्ट कॉलिंग कार्ड, यहां पर गाइस क्लिक करके आप सिम वन या सिम टू से स्मार्ट कॉल करना चाहते हो आप यहां से यूज कर लीजिएगा। और यहां नीचे आपको चार ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट आंसर, स्मार्ट स्विच, स्मार्ट म्यूट और विप टू हैंड फ्री। तो ये चार ऑप्शन बहुत ही काफी खास है, हम इसको बताते हैं कैसे क्या चीज यूज करना है। सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा स्मार्ट आंसर। स्मार्ट आंसर में गाइस क्या आपको मिलता है कि अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल आती है आप रिसीव करते हो अपने फोन का डिस्प्ले से, बट गाइस अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो आपके फोन पे कोई भी रिसीव कॉल आएगी तो आप रिसीव कर सकते हो अपने फोन को अपने कान के पास ले जाके, कान के पास ले जाओ गाइस आपका कॉल यहां से ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। और यहां आपको दूसरा मिलेगा स्मार्ट स्विच यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जांपल भी आपको देखने को मिला होगा। अगर आप किसी भी हैंड फ्री पे बात करते हो, अगर आपके पास कोई आ जाता है आप हैंड फ्री को हटाने के लिए अपने फोन का डिस्प्ले पे क्लिक करते हो या फिर यहां से डिस्प्ले से कॉल को कट कर देते हो, बट ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है आप कॉल को रिसीव करके हैंड फ्री पे बात करते हो, अगर आपके पास कोई भी आता आप अपने फोन को अपने कान के पास ले जाओगे गाइस आपका कॉल यहाँ से ऑटोमेटिक स्पीकर से हट जाएगा। और यहां आपको मिलेगा थ्री नंबर पे जो कि स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन, यहां देखिए आप बिना फोन को टच किए किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक म्यूट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है आप म्यूट करते हो अपने फोन के पावर बटन से या फिर डिस्प्ले से, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल आती है पहले आप इस सेटिंग को ऑन करोगे और यहां पर अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी आप म्यूट कर सकते हो सिर्फ ऐसे करके। आपके फोन पर कॉल आ रही आप ऐसे अपने हाथ को डिस्प्ले पे करोगे आपका कॉल यहां से ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। और यहां नीचे आपको मिलेगा विव टू हैंड फ्री, यहां पर गाइस आप बिना फोन को टच के किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक रिसीव कर सकते हो एंड गाइस कॉल को ऑटोमेटिक यहां से हैंड फ्री भी कर सकते हो। आपको देखिए इसके लिए करना क्या है, अपने हाथ को राइट की साइड से लेफ्ट की साइड आना और लेफ्ट से फिर राइट की साइड करना है और जो कॉल आएगी गाइस कॉल ऑटोमेटिक आपका रिसीव हो जाएगा एंड गाइस कॉल आपका ऑटोमेटिक यहां से हैंड फ्री भी हो जाएगा। तो आप यहां से सेटिंग करके अपने वीवो के Y12a फोन में यहां से स्मार्ट कॉल ऑन करके यहां से यूज कर सकते हो। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।